अस्सलाम वालेकुम यूवर्स, उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए चिप्स बनाने जा रहे हैं। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होगी बेसन, आलू हम इस तरह से लंबे लंबे काट के इनको धो के इनके ऊपर हल्का हल्का नमक लगा के रख लिया है। बेसन की हमने हल्की फुल्की कोटिंग करनी है, ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये हमने सुरख मिर्च दाल शामिल कर दी अपने टेस्ट के हिसाब से। ये हमने नमक शामिल कर दिया, यह हमने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया। अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने पानी इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए, हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके हम इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, और अब हमने इसको सिर्फ बस इतना हल्का फुल्का करना है। अब इसको हम 5 मिनट के छोड़ देंगे, ऑयल गरम करेंगे, आलू हम लेंगे उसमें डिप करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो जाए, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम ये जो हमने आलू बना के रखे हैं इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से हमने इनकी पूरी कोटिंग नहीं करनी, कहीं से आलू नंगे हमने नहीं दिए। जो हमने बेसन बनाया वो लगा हुआ तो बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने शामिल कर दिया। एक तरह से हम इसमें शामिल करते जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट और लगेगा और हमारे चिप्स तैयार। ये देखिए हमारी जो चिप्स है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही मजे और टेस्टी। पहले हमने आलुओं को छीला था, छील के धो लिया। धोने के बाद फिर हमने हल्का सा नमक लगा के इनको रख दिया और 1 घंटे के लिए हमने आलुओं को नमक लगा के रख दिया। 1 घंटे के बाद हमने हल्का सा पानी डाल के नॉर्मल सा बेसन बनाया। बेसन में हमने नमक और सुरख मिर्च शामिल किए, कुछ भी शामिल नहीं किया। 5 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट के लिए छोड़ दिया। फिर हमने ये चिप्स डिप करके इसमें बनाई। इस तरह से हमने चिप्स डिप की है। फिर हमने बनाई है, हमने पूरे या जो आलू हैं डिप नहीं किए, हल्के फुल्के किए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने इनको डिप किया। ये देखिए कितने टेस्टी और मज़े की हमारी जो चिप्स है वो तैयार है। आप भी इस तरह की चिप्स बना के और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपनी फैमिली को, बच्चों को बना के खिलाइए, या स्नैक के तौर पर चाय के साथ बड़ों को पेश कीजिए, मेहमानों को पेश कीजिए।
इंशाल्लाह सब आप ही तारीफ करेंगे। चाय के साथ भी ये बहुत टेस्टी और मज़े की लगती है। एक दफ़ा बना के चाय के साथ खा के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत टेस्टी लगेगी। हम इसको लेते हैं दाल। सर्दियों का मौसम हो, साथ में चाय बनी हुई हो, उसके साथ ये आलू की टेस्ट है, क्रिस्पी क्रिस्पी ये हो, तो बहुत ज्यादा मजा आता है घर में बैठ के खाएं। ये देखिए हमारी जो चिप्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी क्रंची और मजे की, ये देखिए, ये देखिए सॉफ्ट भी है और कितनी मजे की बनी है। ये देखिए वो आपकी मर्जी है, आप लंबी लंबी बनाएं या गोल बनाएं, जिस तरह से आपको अच्छी शेप लगती है उस तरह से बनाएं, बना के अपनी फैमिली को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।